बच्चे हैं। क्या हाल है पढ़ाई का? नहीं, कुछ ज्यादा खास हाल नहीं है। मैम पढ़ाई तो करनी है बट वो सीरियसनेस नहीं आ रही है अंदर से, वो किक फील नहीं हो रही है अंदर से। तो गाइस इस वीडियो में ना मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोलने वाली हूँ कि पढ़ाई करो बेटा, बहुत कम टाइम बचा है बेटा, ये करो बेटा, वो करो बेटा। यस यू हर्ड मी राइट, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलने वाली हूँ कि पढ़ाई करो। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट 4 ट्रिगर वार्निंग्स। बस ये ट्रिगर वार्निंग्स आप सुन लो, इसके बाद आप खुद एक सिंगल सेकेंड भी वेस्ट नहीं करोगे। इसके बाद आप खुद एवरी सिंगल मिनट का प्लान जो बनाया है उसको एग्जीक्यूट करोगे। इसके बाद आई एम टेलिंग यू पीपल अराउंड आर गोइंग टू से, अरे कल तक तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहे थे और आज सडनली इसको क्या हो गया। दैट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट ऑफ दिस वीडियो, इसलिए मुझे ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना गाइस। ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको अवेयर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको स्टडी प्लानर्स देने के लिए, आपको आईसीआई वेबिनार्स की समरीज देने के लिए, आईसीआई अपडेट्स देने के लिए मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पर वीडियोज डालती रहूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। तो चलो बिगिन करते हैं। नंबर वन, अगर आपको लगता है कर लेंगे मैम हो जाएगा, 2 महीने बचे, 60 डेज बचे, 45 डेज बचे, हो जाएगा, एक सिंगल काम करो, नहीं करनी है ना पढ़ाई आपको, पढ़ाई मत करो, एक चीज करो। अगर आप सीए फाइनल के बच्चे हो, लास्ट अटेम्प्ट का May 23 का SCMP का पेपर उठाओ, SFM का पेपर उठाओ, और ये जो पेपर्स है इनको ध्यान से एक एक क्वेश्चन, एक एक सब क्वेश्चन, एक एक एडजस्टमेंट जो जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है वो ध्यान से गो थ्रू करो। आपको ना एक सिंगल थिंग समझ में आ जाएगी कि इंस्टीट्यूट इज बीटिंग यू लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रॉम एवरी साइड दीज डेज। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछता है, इट्स आस्किंग फ्रॉम एनी नुक एंड कॉर्नर। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस चैप्टर के ये कॉन्सेप्ट में से ये चीज पूछी जाएगी और उसमें से इंस्टीट्यूट सवाल पूछ रहा है। अगर आप सीए इंटरमीडिएट के बच्चे हो तो आप सिंपल, मैं आपको एक सिंपल बस कॉस्टिंग का पेपर गो थ्रू करो, टैक्स का पेपर गो थ्रू करो एंड FM इको का पेपर ऑफ सीए ग्रुप 2, सीए इंटर ग्रुप 2। आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या लेवल ऑफ पेपर सेट किया है इंस्टीट्यूट ने और उसके लिए किस लेवल ऑफ पढ़ाई मुझे आज लगने वाली है। बस पेपर्स गो थ्रू करके आपके अंदर दैट सीरियसनेस, भले ही थोड़ा सा फियर आएगा, यू नो गाइस बोलते ना कि थोड़ा फियर भी जरूरी होता है, जैसे कि हाई बीपी अच्छा नहीं है लेकिन लो बीपी भी अच्छा नहीं है, इसीलिए कि हाई फियर तो अच्छा नहीं है लेकिन एकदम भी यू नो जस्ट रिलैक्स्ड मूड भी अच्छा नहीं है, स्पेशली अभी जब लास्ट 45-50 डेज बचे हैं एग्जाम्स को। तो प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस, मेरी गारंटी है कल से कि आप अभी से इस मोमेंट से पढ़ाई करना शुरू कर दोगे एंड दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ गेम चेंजर फॉर यू। नंबर टू थिंग, एक सिंपल सी चीज करनी है, आपका कोई तो फेवरेट पेपर होगा जिसकी पढ़ाई आपकी हो चुकी रहेगी, फिर वो अकाउंट्स हो, लॉ हो, SFM हो, जो भी आपका पढ़ाई हो चुकी है जिस भी सब्जेक्ट की, उसमें से कोई भी एक रैंडम चैप्टर का टेस्ट दो। आपको इससे ना काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। नंबर वन लर्निंग जो आपको समझ में आ जाएगी क्या, कि सीए का एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, इट्स अबाउट सॉल्विंग द पेपर्स, इट्स अबाउट प्लानिंग दैट 1.5 डे एग्जामिनेशन एंड इट्स अबाउट दैट स्पीड इन दोज 3 आवर्स। यू नो गाइस मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बोलती हूँ कि 75% स्टूडेंट्स जो सीए का एग्जामिनेशन देते हैं वो कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करते। कुछ 25% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं लेकिन 75% लोग को समझ में ही आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनको चीजें समझने में ही लग जाती है कि अच्छा ये टाइप का पेपर सेट होता है, अच्छा मेरा तो पेपर ही कवर अप नहीं हुआ, अच्छा पेपर में जाके समझ में आता है मैंने ये चीज तो की थी बट मुझे याद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि रिविजन्स नहीं किए, अच्छा मैंने पढ़ाई तो की थी बट मेरा पेपर कवर अप क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने कभी भी वो 3 घंटे टाइमर लगा के पेपर कभी सॉल्व ही नहीं किया। ये चीजें रियलाइज करते बच्चे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब अभी देख लो, पढ़ाई नहीं करनी है ना मत करो, लेकिन एटलीस्ट जो भी आपका सब्जेक्ट हो चुका है, जो भी चैप्टर हो चुका है, उसका टेस्ट देना शुरू करो। फिर आप भले वो आईसीआई का MTP सॉल्व करूं या मेरी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज है, जो इतने सारे स्टूडेंट्स दे रहे, इतने अच्छे रिव्यूज मिल रहे मुझे टेस्ट सीरीज के, आपको भी यूजफुल रह सकता है। तो अभी ना हमारा एक 50-day 50 टेस्ट का चैलेंज चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड दे हैव ऑलरेडी गॉटन इनटू दैट फ्लो ऑफ स्टडीज। इफ यू ऑल्सो वांट टू गेट इनटू दैट फ्लो ऑफ स्टडीज, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस #50day 50 test चैलेंज। गाइस यहाँ पे हर चीज है जो आपको रियलिटी चेक देगा, यहाँ पे जैसे कि पर्सनलाइज्ड एडमिन पैनल मिलता है, सब क्वेश्चन पेपर, सब आंसर शीट, सब सजेस्टेड आंसर आपको एक ही जगह पे मिलते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड। यार जैसे कि अभी सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, आपको देखना है कि मैंने कौन से चैप्टर में क्या गलती की थी, यू कैन प्रिसाइसली लुक इनटू इट। इसके साथ साथ हम आपको पर्सनलाइज्ड असेसमेंट रिपोर्ट दे रहे हैं जहां पे आप
आपके स्ट्रेंथ वीकनेस बता रहे हैं, उसके साथ साथ बेस्ड अपॉन योर कॉन्सेप्ट, बेस्ड अपॉन योर प्रेजेंटेशन, बेस्ड अपॉन योर स्पीड, हम सबके हिसाब से आपको प्रॉपर रेटिंग्स दे रहे हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने बोला, सीए एग्जामिनेशंस आर नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दीज एक्स्ट्रा थिंग्स, जिस वजह से अपने को एग्जाम्स में मार्क्स नहीं मिलते, तो हम उस बेसिस पे आपको रेटिंग्स देते हैं। उसके साथ साथ टू डीप डाइव इन टू दिस, हमने एक नया फीचर लॉन्च किया है, मिस्टेक हाइलाइटिंग सेशंस। हर चैप्टर का हर क्वेश्चन में बच्चे प्रिसाइसली कहाँ गलती कमिट कर रहे हैं, इस पे हम लोग सेशंस ले रहे हैं और प्रिसाइज मिस्टेक्स पॉइंट कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ गलती कमिट कर रहे हैं, सो दैट आप खुद की गलतियों से तो सीखो ही सीखो, दूसरों की गलतियों से भी सीखो, एंड इसके वजह से बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। रिव्यूज देख सकते हो यहाँ पे, एक प्रोग्रेस बार दिखता है आपको, जैसे आप आपके एडमिन पैनल पे लॉगिन करते हो आपको समझ में आता है कि मैंने कितने परसेंटेज ऑफ टेस्ट दिए, कितने परसेंटेज ऑफ टेस्ट देने बचे। आईसीए लेवल के पेपर सेट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं यहाँ पे। ऑल्सो एक एडिशनल अच्छा फीचर है कि हम आपके हर पेपर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर्स में फ्लैग करते हैं। रेड और ऑरेंज स्टैंड्स फॉर अंडर परफॉर्म पेपर, जहां पे आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, सो दैट इस स्टेज पे आके आपको समझ में आए, आप इसके आगे और टाइम वेस्ट ना करो, और वो जो रेड और ऑरेंज पार्ट्स अभी तक है यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट, एंड इससे क्या होता है ना, आपको रियलिटी चेक मिलता है कि यार मुझे अभी तक पढ़ाई इस इंटेंसिटी से करने की जरूरत है, अभी तक मेरा उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हुई है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो ना, यू आर इन सम इल्यूजन की मेरी तो पढ़ाई हो चुकी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट व्हेन यू एक्चुअली इवैल्यूएट योरसेल्फ, तब आपको काफी सारी चीजें समझ में आती है। 2 से 3 दिन में हम आपको पेपर चेक करके दे देते हैं। एक्सट्रीमली अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं, गो चेक इट आउट। सो इसके मल्टीपल फायदे हैं गाइस, रियलिटी चेक मिलता है, वो एग्जाम रेडी होते हो। यू नो इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ स्टडीज के वाइस चेयरमैन ने परसों के एक वेबिनार में बोला कि डोंट फेल इन एग्जामिनेशन, फेल हियर, फेल इन योर मॉक टेस्ट पेपर्स। अभी जो फेल होना है फेलियर देख लो, लेकिन बाद में जो मेन एग्जामिनेशन है दैट इज द डी डे, तब जो भी फेलियर है वो आपको रेपरकशन फेस करना पड़ सकता है अगर अभी पढ़ाई नहीं करते हो तो, और अगर अभी पेपर नहीं देते हो तो, इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रूशियल। नंबर 3 थिंग, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, अगर यू नो थोड़ा सा भी स्लाइटली भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, पेपर भी देख लिया, टेस्ट भी देख लिया, उसके बाद भी थोड़े से स्लाइटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, तो गो थ्रू पास्ट अटेम्प्ट एग्जामिनर कॉमेंट्स ऑफ आईसीआर, ऑल्सो सजेस्टेड आंसर्स ऑफ आईसीआर, आपको समझ में आ जाएगा भैया यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कुछ अलग ही लेवल की है, दिस इज द फॉर्मैट, दिस इज द लैंग्वेज एक्सपेक्टेड, दिस इज द प्रेसिजन रिक्वायर्ड, दिस इज द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, इस टाइप का आंसर्स रिक्वायर्ड होते हैं आईसीआर को, दे आर बीइंग वेरी पर्टिकुलर विद देयर चेकिंग ऑल्सो दीज डेज। आप कॉमेंट्स देख लो यार, आप सजेस्टेड आंसर्स देख लो, किस टाइप का, यू नो दैट्स द हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सीए स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स अपन प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, तो इट इज नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग इट, इट्स अबाउट एक्चुअली प्रेजेंटिंग इट प्रॉपरली, तो प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, तो आप खुद सोचो कितने सारे फैक्टर्स पे अभी तक ध्यान देना है, कैन यू अफोर्ड वेस्टिंग एनी टाइम, सो गो थ्रू दीज सजेस्टेड आंसर्स एंड एग्जामिनर कॉमेंट्स, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नंबर 4 ट्रिगर वार्निंग, विच इज द मोस्ट क्रूशियल वार्निंग, इज गाइज दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ ओल्ड कोर्स, लास्ट अटेम्प्ट है ये ओल्ड कोर्स का, उसके बाद नया कोर्स आने वाला है, यू नेवर नो कि इंस्टीट्यूट तब किस टाइप का पेपर सेट करता है, बिकॉज आप लोग फर्स्ट लोग रहोगे, अगर आपने इस बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया ना, तो May 24 के स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बैच टू गिव द एग्जाम्स इन द न्यू कोर्स, एक्सट्रीमली रॉ, एक्सट्रीमली फ्रेश, एक्सट्रीमली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि इंस्टीट्यूट इस बार किस टाइप के एग्जामिनेशन पेपर सेट करने वाला है, तो बिफोर गेटिंग इन टू दैट यू नो यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव यार्ड, अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो, इससे बेटर है कि जी जान लगा देते अभी, यू नेवर नो गाइज, एमसीक्यूज होने वाला है हर सब्जेक्ट में, यू नेवर नो कि किस केस स्टडी बेस्ड किस टाइप के इंटेंसिटी के पेपर सेट किए जाएंगे, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि बिफोर गेटिंग इन टू दैट आप ये 2 महीने में अपना 100% दे दो ना, एक कमिटमेंट दे दो मुझे, व्हाट्स गॉन इज गॉन, व्हाट्स कमिंग इज गोइंग टू बी मच बेटर देन व्हाट हैज गॉन, बिकॉज आई एम गोइंग टू पुट इन माय 100% इन द अपकमिंग 45 डेज। गाइज प्लीज 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 शुरू कर दो। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि मैं नहीं बोलूंगी, ये 4 चीजें अपने खुद ने थोड़ा सा तो डर फील हुआ रहेगा अंदर से, थोड़ा सा तो नर्वस हुए रहेंगे, थोड़ा सा तो यू नो यू माइट बी गेटिंग दैट किक नाउ कि नहीं यार इतनी सारी चीजें करनी है, आई कांट अफोर्ड वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ठीक है। सो शुरू कर दो, बिलीव इन योरसेल्फ, बहुत सारे वीडियोस जल्दी चैनल पे लाइन अप है, आई विल सी यू सून, टाटा।